कड़ाई की बात करते हुए अपने आप को शेर नहीं संबोधित करती थी। आज हम जब बराबर की संघर्ष में आए और बड़ी टक्कर है जो हमारे बीच थी, तो वो शेरनी कहीं मैदान में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं। आप बंधुओं, लोकतंत्र में कभी मजबूरी नहीं चलती है, लोकतंत्र में मैं नहीं चलता है, लोकतंत्र में सरल और आपके बीच रहने वाले ऐसे आपके जनप्रतिनिधि चाहिए। ओशा की देव तुल्य विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सबको सादर नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। एक बार जबरदस्त जोर से माँ सच्चाई माता की जयकारा लगा दे, जिनके कृपा से आज भैराराम जी सियोल इतनी जबरदस्त टक्कर देते हुए आपके विधायक बने हैं और आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जय बोले माँ सच्चाई माता की, जय बोलो माँ सच्चाई माता की। धन्यवाद बंधुओं, आज ये दिन जो आप देख रहे हैं, आदरणीय आप और हमारे लाडले सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब आपके बीच पधारे हैं। मतानिया में सामने आकर श्री बैराराम जी सियोल को आपने बधाई दी और अब आप सबको सादर धन्यवाद देने के लिए आपके बीच पधारे। मेरे आदरणीय बंधुओं, ओशा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों, आज जबरदस्त संघर्ष के बाद आपकी कृपा से, आपकी मेहनत से, अथक प्रयत्न से बैराराम जी सियोल आपके लाडले, आपके परिवार के सरल चित्र सामान्य व्यक्ति आपके विधायक बने हैं। ये सारा श्रेय आपको जाता है। आप बंधुओं, आज आपको वो दिन याद आ रहे होंगे पिछले 1.5-2 महीने से आदरणीय परशुराम जी मदेरणा जी के परिवार की एक बच्ची मगरूरी बस कड़ाई की बात करते हुए अपने आप को शेर नहीं संबोधित करती थी। आज हम जब बराबर की संघर्ष में आए और बड़ी टक्कर है जो हमारे बीच थी, तो हम जब पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, माननीय भैराराम जी सियोल का जीतने का प्रमाण पत्र लेने, तो वो शेरनी कहीं मैदान में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं। आप सबको इस बात का, इस बात का श्रेय आप ओशन की जनता को जाता है कि आदरणीय किसान नेता परशुराम जी मदेरणा के परिवार को इस मगरूर बच्ची को सुधारने का मौका आपको दिया है, आपको दिया है। और आशा करते हैं कि वो अपने जीवन में बैराराम जी से और आदरणीय पीपी चौधरी साहब से कुछ सबक लेकर समझदारी से अपने आप को सरल बनाएगी और आपके परिवार की बच्ची की तरह आपके साथ व्यवहार करेगी। बंधुओं, लोकतंत्र में कभी मजबूरी नहीं चलती है, लोकतंत्र में मैं नहीं चलता है, लोकतंत्र में
सरल और आपके बीच रहने वाले ऐसे आपके जनप्रतिनिधि चाहिए। आप बोलिए, आप मैं बोलूं, आप बोल दो, आप बात अच्छी लगकर बोलिए, आप ये संबोधन करेंगे। आप सबका मान सम्मान रखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के उन कदावर कार्यकर्ताओं का मान रखते हुए बैरा राम जी सियोल को जो आपके आज विधायक बन गए, इनको और आपके सम्मान के लिए चक्रवर्ती खेता सर ने आप सबकी सेवा करने के लिए 51 लाख रुपए बैरा राम जी को हाजिर किए हैं भेंट स्वरूप। धन्यवाद, धन्यवाद। होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं के जोश के बदौलत ये बैरा राम जी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो उसके लिए महा सच्चाई का नारा लगाने के लिए सब हाथ ऊपर होने चाहिए और आवाज आनी चाहिए पूरे ओशिया में। बोलिए सच्चाई मात की, बोलिए सच्चाई मात की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह भाई, अब पता लगा कि ये राज था, ये जोश था। इस जोश की वजह से आज बैरा राम जी को जो आपने, आप ये बैरा राम जी नहीं जीते हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, ये जीत सब आपकी जीत है, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद ऐसा कैसा बैरा राम जी पे बना रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए ओशिया को कड़ी से कड़ी राजस्थान जयपुर से और दिल्ली से मिलाया, इसलिए मैं सभी को आपको साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बैरा राम जी के उज्ज्वल भविष्य के आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपका आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।